हेलो दोस्तों, मैं तुम्हारा भाई यार सारफिर लाया। तुम्हारे बहुत मस्त वीडियो भाई, लास्ट तक देखना और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर बिना मत जाना। और दोस्तों, हमने दूसरा चैनल भी शुरू किया है, उसमें हम बताते हैं कि हम वीडियो कैसे बनाते हैं और कितना पैसा कमाते हैं। उस पर वीडियो आ चुकी है कि हम कितना पैसा कमाते हैं, तो जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रोज़दन ऐप के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसको डाउनलोड करते ही आपको 25 रुपये मिलेंगे और ये मेरा जो इन्वाइट कोड है इसको डालते ही आपको 25 रुपये और मिलेंगे। रोज़दन ऐप में आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हो। इसमें बहुत तरीके के आर्टिकल होते हैं, उन्हें पढ़कर अपने दोस्तों को शेयर करके इसमें आप बहुत सारे कॉइन इकट्ठे कर सकते हो और उन कॉइन्स को पैसों में कन्वर्ट करके पेटीएम के थ्रू विड्रॉ कर सकते हो। जब आप अपने दोस्तों को इस ऐप को शेयर करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली 6 रुपये मिलेंगे और उन्हें 50 मिलेंगे कुछ मिनिमम टास्क के बाद। इसका जो मिनिमम विड्रॉ होता है 200 रुपये होता है। मैंने बहुत टाइम विड्रॉ किया है, आप देख सकते हैं। ये ऐप मैंने पहले खुद ट्राई किया तभी मैं आपको बता रहा हूँ। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए और जल्दी से डाउनलोड कीजिए और मेरा इनवाइट कोड डालना मत भूलना, आपको 25 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे। और दोस्तों, हैप्पी रक्षाबंधन और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। इस इंडिपेंडेंस डे पे कुछ गरीबों की मदद करो। हमने भी अपनी वीडियो में दिखाया है कि हमसे भी जितनी मदद हो पाई हमने किसी की, किसी की जॉब लगवाओ, किसी भी तरीके से सहायता करो, सबसे अच्छा होता है। यही हमारा रियल इंडिपेंडेंस डे है। लव यू सो मच। हाय। कौन? मैं आपको जानती हूँ? नहीं मैम, एक्चुअली ना मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने आपको देखा, बहुत ज़्यादा सुंदर लगी तो मैंने सोचा मैम थोड़ी बातचीत कर लूँ, थोड़ा लाइन वाइन मार लूँ। कैसी बातचीत? मतलब सॉरी मैम, आप तो बहुत डेंजर तरीके से बात करती हैं। ड्राओ मैं तो बहुत प्यार से आया हूँ, मतलब आप बहुत अच्छी लगी ना। और स्पेशली आपका चश्मा। थैंक यू। तो मैंने सोचा बातचीत कर लूँ भाई, आपका फ़ोन बहुत अच्छा है। थैंक यू। तो आपका नंबर वंबर मिल जाता तो? सॉरी मैम, नंबर नंबर मैं आपको क्यों दूँगी, मैं आपको जानती नहीं हूँ ना। मैम वो जान जाओगे ना, देखो जब आप नंबर दोगी तो मैसेज वगैरह करेंगे तो धीरे धीरे जान जाएंगे। और अच्छा नहीं लगा तो ब्लॉक कर देना, उसमें क्या है। नहीं तो मुझे नंबर देना नहीं है ना आपको। अच्छा देना ही नहीं है? नहीं। अच्छा नहीं लगा मैं आपको? नहीं अच्छी की बात नहीं, बट मुझे, मैं आपको जानती नहीं, मैं आपको नंबर क्यों दूँ। अच्छा मैम वैसे यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आपको क्यों बताऊँ? अरे मैम, मैम इतना रूड क्यों हो आप? मैं रूड नहीं हूँ, मैं आपको नहीं जानती। तो फिर भी मैं नॉर्मली पूछ रहा हूँ कि नंबर मत दो, कुछ मत दो, फिर भी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो मैं आपको क्यों बताऊँ मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ? मैम ऐसे पूछ रहा हूँ, एक्चुअली मैं अपने फ्रेंड्स का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, किसी दोस्त का वेट ही कर रही हूं। तो आप फ्रेंड का वेट कर रही हो? हाँ, क्योंकि मेरा इवेंट है तो मेरी एक फ्रेंड आने वाली, उसका वेट कर रही हूं। इवेंट्स करते हो आप? हाँ। ओके मैम, मैम सही है, फिर तो बहुत पैसे कमाते होंगे आप तो। मैम मुझे भी दिला दो कोई इवेंट वगैरह। मैं आपको मैं क्या कराऊंगी, मेरा भी तो ऐसा है, मैं भी खुद परेशान चल रही हूं, मेरे घर में प्रॉब्लम चल रही है। तो इवेंट्स वगैरह मैम ज़्यादा पैसे नहीं आते? नहीं नहीं आते इतना पैसे, नहीं आते। एक सिर्फ 500-700 रुपये। मैम कितने घंटे का होता है? 8 से 10 घंटे। 8 से 10 घंटे का? वो डेली मिलता है, कभी कभी मिलता है? कभी कभी मिलता है, डेली नहीं होता है। कभी कभी मिलता है। फैमिली में कौन कौन है? मैं हूँ, मेरी मम्मा है, मेरी मम्मा बीमार रहती है तो इसलिए मैं ही अपने काम करने वाली हूँ। ओके सॉरी मैम, मैं तो ऐसे बस ऐसे ही पूछ रहा था, आपको बुरा तो नहीं लग रहा? अरे मैम खैर ये सब बातें छोड़ो, मैं मतलब मैं अच्छे घर से हूँ थोड़ा। okay. तो आओ कहीं कैफे कॉफी डे वगैरह या डोमिनोज वगैरह चले। मैं तो आपको नहीं जानती ना, तो मैं आपके साथ ऐसे किस जा। अरे मैडम गाड़ी है मेरे पास देखो वो खड़ी, और बहुत पैसा है, मैं पैसे उड़ा दूंगा तुम्हारे ऊपर ऐसे। अच्छा आप इतने पैसे वाले, तो मुझे जॉब दिलवा दो किसी जगह पर। आपको जॉब चाहिए? हाँ, मेरी मम्मा बीमार रहती हैं और उनका दवाई का खर्चा नहीं हो पाते, बहुत ज़्यादा पैसों की कमी है, इसलिए मुझे जॉब चाहिए। अरे यार किस टाइप की जॉब चाहिए आपको? किसी भी तरीके की सलीकी जॉब दो, जैसे रिसेप्शनिस्ट हो गई या फिर किसी ऑफिस बैक एंड चल जाएगा। हाँ चलेगी। और सैलरी क्या, तो कब कहाँ तक चल जाएगी? 10 से 15 हज़ार तक चल जाएगी। 10-15 हज़ार तक चल जाएगी? हाँ, अभी तो इतना हो भी नहीं पाता है, हो जाएगा मेरा। मैम देखो अगर आपको सीरियसली जॉब करनी है तो मैं बता सकता हूँ, मेरे चाचा की गुड़गांव में, ठीक है, नर्सिंग होम है। ओके। ठीक है, जो जो होता है ना वो डॉक्टरी वाला नर्सिंग होम होता है। हाँ, तो वहाँ पे लगवा सकते हो मैम, सैलरी भी आपको 15-20 तक मिल जाएगी। ओके। तो अगर आप जेन्युइनली करना चाहते हो तो बताओ। हेलो मैम, ओके मैम देखो ये है कार्ड, ठीक है। ओके। ये उनका कार्ड है, इस पर फ़ोन कर लेना। ओके। और बोल देना मैं हर्ष की फ्रेंड हूँ। ओके।
हाँ जी मेरा नाम हर्ष है, ठीक है ना। इस पर फोन कर लेना, वो आपको बुला लेंगे, बाकी मैं उन्हें बोल दूँगा। आपका नाम क्या है? एनी नाम है आपका, ठीक है। मैं तो मैं आपको है ना इस पर बोल दूंगा और वो आपको लगा लेंगे, मेरी गारंटी है। पक्का मुझे जॉब मिल जाएगी ना? मैम मेरी गारंटी मिल जाएगी पक्का। बाकी आप मेरा नंबर ले लो, कोई प्रॉब्लम हुई तो आप बता देना, ठीक है। आप मुझे अपना नंबर दे दीजिए, पक्का मुझे जॉब मिल जाएगी पक्का मैम 100%। ओके मुझे अपना नंबर दे दीजिए। लो मैम ये मेरा नंबर है, ओके इस पर आप फ़ोन कर लेना, ठीक है। हर्ष नाम है ना? हाँ। और मैम एक्चुअली मैं तो बस ऐसे ही आया था, मुझे नहीं पता था कि आपको इतनी नीड है। थैंक यू सो मच, ठीक है मैम। एक्चुअली हम तो ऐसे ही खेलते वेलते रहते हैं जैसे सीपी में, परेशान करते रहते हैं, मतलब मस्ती मजाक करते रहते हैं, पर आपको जेन्युइन नीड थी, आपकी मम्मी बीमार है। तो अभी मम्मी की दवाई आ रही है? हाँ अभी हो रही है, मैं थोड़ी सी उसी वजह से परेशान चल रही हूँ, अभी कब से वेट कर रही हूँ, इवेंट आने वाली मुझे लेने के लिए, अभी तक आई नहीं है, मुझे 1.5 घंटा हो गया पर वेट करते करते। घर अपना है? नहीं रेंट पर रहते हैं। रेंट पे रहते हो? अरे यार। अच्छा मैम एक चीज़ और बताऊँ? देखो आप इतना हो गया, जॉब तो आपको मिल जाएगी। हाँ। मेरे को ना एक जादू आता है। ओके, कैसा जादू? मतलब मैंने ना सीखा था। ओके। ठीक है अपने कॉलेज में, तो आपको एक जादू करके दिखाऊंगा अगर आप बुरा ना मानो तो। किस टाइप का जादू? मतलब ऐसी बस है ना, जैसे आप प्रॉब्लम्स में हो ना, आप बिलीव करना, आप है ना ऐसे बोलना सिर्फ कि मतलब आँखें बंद करना और ऐसे बोलना कि हे गॉड मेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दो। तो इससे क्या होगा? मैम आप बिलीव करो, मैं आपके लिए ना एक मंत्र पढ़ूंगा और आपकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएंगी। आप मंत्र पढ़ेंगे और मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? मैम करके तो देखो, करने में क्या जा रहा है, आपको तो कुछ जा नहीं रहा। हाँ। जॉब तो मैं आपको दिलवा दूंगा। ओके। मतलब उससे ये कि फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं ऐसे ही करता हूँ, मुझे एक गुरुजी ने बताया। ठीक है, मतलब मुझे किस टाइप से ऐसे प्रे करना है? हाँ जी ऐसे करो कि एक गोल मेरी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाए और मेरी मम्मी ठीक हो जाए। हाँ जी हाँ 1 2 3 बोलो। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे दोस्तों, और रियल इंडिपेंडेंस डे यही होता है कि हम किसी की हेल्प करें और हमारी एक हेल्प किसी की लाइफ बना सकती है। अपनी लाइफ में बस एक इंसान की हेल्प करो, क्या पता हमारी वैसे उस इंसान की लाइफ बन जाए। लव यू दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। सब्सक्राइब और लाइक करना मत।